है जो अमेरिका के खिलाफ काम करता है, रूस के खिलाफ काम करता है, और पड़ोसी देश अगर विरोधियों के साथ चले जाए तो बहुत दिक्कत है। लग रहा तुम लोग को जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तुम लोग। जियो पॉलिटिक्स, यूनिवर्स, ये सब बिल्कुल भी आप लोग। अब वो दूसरी जगह पे अटैक करने वाला है रूस, बेलारूस में। बेलारूस तो समझ लो रूस का भाई है, फिर भी अटैक करने वाला है। जाने हमें और जमीन जाने खत्म बेटा, गलत है ना। रूस का ही पूरी दुनिया से लड़ रहा है अकेले। इतने प्रतिबंध लगेंगे अगर भारत के ऊपर, जो प्रतिबंध एक महीने भी लगा दिए जाए तो यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट 500 रुपये लीटर पहुँच जाएंगे। तो रूस का ही नहीं, रूस क्यों इतना सारा झील गया? जमीन वहाँ की, सब कुछ वहीं है, पेट्रोल होता ही, डीजल वहीं, मिनरल्स वहीं, सब कुछ वहीं है। उन्हीं के देश, उनकी ज़मीन से सब कुछ मिल रहा है। बाकी कुछ दोस्त भी हैं चीन वगैरह, लड़ने के लिए तैयार है हमें। कहा चीन जाने तुम्हें? मच्छरदानी में भर के ले जाए, चिल्लाते ही रह जाओ ऐसे में के। चल मारे और, बहुत ही खतरनाक देश है चीन तो। चलो ठीक है, उत्तर कोरिया ना चले जाइयो, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया चले जाइयो, हंस दिख गए ना। गाय हंसे तुम बेटा, सत्ता ही उसकी है पूरी, ऐसे कैसे उड़ा दे बेटा। जितना दिमाग उनके विरोधी लगाते हुए ना, उसे कई गुना दिमाग वो लगा चुका होगा पहले। सिक्योरिटी अपने यहाँ की जो प्रधानमंत्री होती है, 13 सिक्योरिटी लेयर होती है उसकी। राष्ट्रपति की 24 सिक्योरिटी लेयर होती है, वो आपको दिखेंगी नहीं। 13 सिक्योरिटी लेयर होती है प्रधानमंत्री के आसपास। अगर 2 किलोमीटर के भी आसपास अगर दिख जाएगा ना कोई खतरा है तो प्रधानमंत्री को अंदर भेजती है। ऐसे नहीं, आसमान से सिग्नल पूरा ट्रांसमिशन चल रहा है उसका, वो आपको नहीं पता होगा कितनी सिक्योरिटी लेयर है, लेकिन देखने तक को नहीं मिलेगी आपको वो पूरा। बहुत खतरनाक सिक्योरिटी लगती है, लेयर पे लेयर। उत्तर कोरिया को न्यूज़ चैनल कहूँ से ढूंढ के निकाल दी तो हम मान जाए भी आपको, कहीं आपको उत्तर कोरिया को न्यूज़ चैनल ना मिले, ना होते यूट्यूब, ना ट्विटर, ना चाइना को आपको क्यों न्यूज़ चैनल मिले, ना उत्तर कोरिया ना चाइना, इनके कोई न्यूज़ चैनल आपको मिले ही ना। होते पे कितनों पानी बरसो, कब भूकंप आओ, कब हो, कछु पता ही नहीं चल सकता आपको। और एक दो लोगों ने आवाज़ उठाई थी, शाम को उठाई थी, रात को भी उठाई थी। नहीं ये गलत है भाई, गलत है। अमेरिका ने धमकाने की कोशिश की थी तो उन्हें हाइड्रोजन बम बना लो, बोलो आप धमकाओ। एक हाइड्रोजन बम 100 परमाणु बम के बराबर है। हाँ, उत्तर कोरिया ने बना लिया है। चलो ये तो जियो पॉलिटिक्स की बात होगी बच्चों, ये तो हंसी मजाक भले ही कितना हो जाए, लेकिन नॉर्थ कोरिया एज अ ह्यूमनिटी के लिए तो बहुत खतरनाक है। चाइना भी बहुत ह्यूमनिटी के लिए बहुत खतरनाक है। रूस भी इवन ह्यूमनिटी के लिए खतरनाक है। इवन अमेरिका भी खतरनाक है। ये ऐसे देश हैं, नॉर्थ कोरिया तो टॉपिस्ट है, ये अगर आगा तो पृथ्वी जल्दी ख़त्म हो जाए। चाइना आ जाए तो जो सब अपने कब्जे में कर ले, आओ रूस हमारे ई कोना में आओ, अमेरिका आते आओ, सब अपनों बना ले। जो चाइना, रूस और अमेरिका ये किसी के दोस्त नहीं है, ये अपने देश के लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरों के लिए बहुत, ये किसी के भी नहीं है। आज अगर इंडिया को लग रहा होगा रूस हमारे साथ है, आन दो मौका, सबसे पहले धोखा देगा, और सबसे सबसे बड़ा धोखेबाज है अमेरिका। ये वीडियो में अब हम गए कल, सबसे बड़ा धोखेबाज है अमेरिका, इससे धोखेबाज इंसान कोई नहीं है। सीधे आपको लास्ट टाइम पे धोखा देगा। लड़ाई किसने कराई है? यूक्रेन की और रूस की, अमेरिका और लंदन ने। अमेरिका ने बोले तुम लड़ जाओ यूक्रेन, हम तो खड़े पीछे, लड़ जाओ। अमेरिका, ब्रिटेन, नहीं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये चार देश जो नाटो के सबसे मेन है, इनने कहा था कि लड़ जाओ, और जब लड़ने का कुछ नहीं, थोड़े बहुत मिसाइलें साइलें बंदूक के नहीं, उसे कहा आधा तो यूक्रेन ख़त्म होगा, खंडर होगा वो यूक्रेन, आधा थोड़ा बहुत बचा है। जाओ घूमने में थोड़ी बुराई है, ऐसे नहीं,
पैसा खूब है, ऐसे थोड़ी अमेरिका ऐसा खतरनाक नहीं है, वहाँ तो फिर डेमोक्रेसी भारत से भी ज़्यादा है। राष्ट्रपति के सामने तुम राष्ट्रपति को अच्छा जो जो तुम्हें सुनाना है सुना सकते हो, तो उस वहाँ तो भारत से भी ज़्यादा डेमोक्रेसी है। हम इंसानियत की बात करें, वो अपने देश के लिए अच्छा है। जैसे मान लो कि यहाँ इस मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई परिवार है जो अपने लिए बहुत ही अच्छा है, अपने सबका ख्याल रखता है, वही है अमेरिका। वो अपना बहुत ख्याल, अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता है, दूसरों के लिए। अमेरिका की हिस्ट्री रही, हमेशा धोखा दिया उसने। लिखिए इसमें, फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम्स आर ऑफ टू टाइप्स। फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम्स आर ऑफ टू टाइप्स। तुम लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ना जियोपॉलिटिक्स, नहीं हो तो मत पढ़ना। यूनिवर्स हम तो सब पढ़ते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, कभी यूनिवर्स पढ़ते रहते हैं। अभी तुम लोग यूनिवर्स के बारे में बताने लगे तो तुम लोग अचंभित रह जाओगे। सूर्य की रोशनी अर्थ पे आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगते हैं ना। तो आप लोग में से कोई भूतकाल देख सकता है? अपना पास्ट देख सकते हो? तो सब का पास्ट देखते हैं। 8 मिनट पहले का सूरज देखते हैं हम सब लोग। जो सूरज हमें दिख रहा है वो कितने मिनट पहले का दिखता है? 8 मिनट पहले का दिखता है, ये हमारा 8 मिनट पास्ट। तो आपको जो सूरज को जब आप देखते हो, तो जो वो रोशनी वहाँ आपको दिख रही जो लाइट, वो वहाँ 8 मिनट पहले निकल चुकी थी। और 8 मिनट लगता है उसको अर्थ में पहुँचने में, और हर सेकंड कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर चलता है ना हर सेकंड आपका ये। थ्री इंटू 10^8 मीटर पर 3 लाख किलोमीटर है आपके, हर वक्त चलता है आपका। तो 3 × 10^5 और 10^3 को हम क्या लिख सकते हैं? किलो लिख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 3 लाख। 8 मिनट लगते हैं इसको यहाँ पर। और ध्रुव तारा जानते हो? उसको कितना, उसकी रोशनी कहाँ पर मिलता है? एक्सिस पे, अर्थ उत्तर पे। ध्रुव तारा ही एक ऐसा तारा है जिसकी पोजीशन कभी नहीं बदलती, बाकी सभी तारों की पोजीशन बदलती रहती है क्योंकि वो अर्थ के एक्सिस पे है। उसकी रोशनी अर्थ पे पहुँचने में कितना समय लगता है? 40 ईयर्स। कितने लगते हैं? 40 वर्ष। अब सोच लो कि ध्रुव तारा कितना दूर होगा, और यही स्पीड है उसकी भी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो 40 तो हमने बहुत कमा बताए। मतलब जब तुम ध्रुव तारा देखना कभी टेलीस्कोप से, तो आप 40 वर्ष पहले का ध्रुव तारा देख रहे हो, जो रोशनी आपको दिखाई दी 40 पहले उसकी रोशनी निकली थी, भूतकाल देख रहे हो। ये तो बहुत पास है 40 वर्ष। अभी तो ऐसे ऐसे भी तारे हैं, अभी तो यूनिवर्स नहीं खोज पाया कोई कि यूनिवर्स कितना है। फिर बताया जा रहा है कि ये तो एक यूनिवर्स है, ऐसे कई यूनिवर्स हैं, फिर जो यूनिवर्स से भी मिलके कुछ बना है, फिर उससे मिलके भी कुछ बना है। आ जाओ ये। देखो तुम लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तो पढ़ सकते हो, नहीं है तो फिर अपना ये रटो का केमिस्ट्री, फैक्सिनेटिंग कॉलम्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब हमें खाना बनाना हुआ सीखने, फैक्सिनेटिंग कॉलम्स आर ऑफ टू टाइप्स। तुम से कोई से खाना बनाना बना थे? सिखा दो, बन जाते ऐसा तो सर, टेढ़ो मेढ़ो बना ली थी खाने लायक। हमसे एक चीज़ पे बना खिचड़ी, हम चावल डाल दे भी, दाल डाल दे भी, नमक डाल दे भी, हल्दी मिर्चा चढ़ा दे भी, सीटी बज जाओ डाल ले भी, खा ले भी। दो प्रकार के होते हैं फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम्स। चलो बच्चों को पे बहुत हो गया, पढ़ लेते हैं ईमानदारी से। तो देखिए, एक तो ये है, एक होता है ग्लास बीड्स कॉलम,
इसमें गिलास के टुकड़े भरे रहते हैं, पोर्सिलिन गिलास। पोर्सिलिन गिलास वो गिलास होता है जो अपने साथ पानी को चिपकाता है। बनाइए, टाइम नहीं वेस्ट करना। इस कॉलम का नाम है ग्लास बीट कॉलम। ये ग्लास की बीट्स हैं, मतलब ग्लास के टुकड़े मान लो, ग्लास पीसेस लिख लो। एक होता है सेपरेशन कॉलम या हर्डल कॉलम से बोलते हैं इसे। जल्दी बनाओ गिलास बीच में, ऐसे कि ऐसे ही लगाई और डांस करके लगाओ। सेपरेशन कॉलम या बबल प्लेट कॉलम। ऐसे लग रहा है जैसे बबल्स बने हो, फील्स लाइक स्मॉल थोड़े से गोलाकार, तो इसलिए इसको बबल प्लेट कॉलम भी बोलते हैं। इन दो प्रकार के कॉलम होते हैं। तो यहाँ से जाएगी अंदर भी पर हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, तो टकराते हुए जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो यहीं पर रुक जाएगा। यहाँ से गेट भी बने रहते हैं अलग अलग, जैसे क्रूड ऑयल के लिए तो गेट भी बने रहते हैं कि जो यहीं रुक जाएगा उसको यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर इसको बड़े बड़े कॉलम होते हैं। हो गया, तो ये मेथड कब यूज करते हैं हम। द मेथड इज यूज इन द सेपरेशन इन द प्योरीफिकेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर हैविंग वेरी लेस डिफरेंस और लो डिफरेंस, वेरी लो डिफरेंस देयर बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 10 डिग्री। फॉर दिस पर्पज फ्रैक्सीनेटिंग कॉलम्स आर यूज। बन जाएगा, चलिए लिखिए। प्रिंसिपल देख लीजिए इसका, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है।
सिद्धांत इसका प्रिंसिपल ड्यू टू ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड हाई हर्डल्स द कापटे ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया कैसे लार्ज हो गया, जब वेपर सीधे सीधे ऊपर जा रही थी, यहां से सीधे बिल्कुल जब कुछ भी नहीं था इसमें, देखो तो सीधे सीधे निकल रही थी ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहां पर लिक्विड का सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाएगा, वो यहां से टकराएगी, एक बूंद है ठीक है ना, वो एक पत्थर से टकराएगी एक बार, तो वो कुछ खुलेगी और फिर और टकराएगी, फिर और खुलेगी और टकराएगी, तो इस प्रकार ये जो वेपर है यहाँ भी टकराएगी, यहाँ भी टकराएगी, यहाँ भी टकराएगी, यहाँ 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 हर जगह टकराएगी, तो उसका सरफेस एरिया और क्या होता जाएगा, खुलता जाएगा आपका। जैसे हम एक पानी की बूंद ले लें, उसको ज़मीन में पटक दें तो और खुल जाएगी ना, तो उसके और पॉइंट निकल आएंगे आपके, है ना। तो लोग कोई गाड़ी वाड़ी रख के आए क्या सामने गेट के, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड हाई हर्डल्स इन फ्रिक्शनेटिंग कॉलम्स इन फ्रिक्शनेटिंग कॉलम्स ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड हाई हर्डल्स इन फ्रिक्शनेटिंग कॉलम्स कॉमन लगाइए, लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड हाई हर्डल्स इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पास्ड थ्रू
पास थ्रू फ्रैक्सिनेटिंग पास थ्रू फ्रैक्सिनेटिंग पास थ्रू फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम्स ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड हाई हर्डल्स इन फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम्स लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पास थ्रू फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम्स इन डिफरेंट रेट्स रेट्स मतलब गति स्पीड है ना वेलोसिटी फुल स्टॉप। देखो क्योंकि लिक्विड्स मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस तो है, तो जब वो फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम से होके निकल के जाएंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वेपर ज़्यादा स्पीड से बनेगी तो वो अलग स्पीड से जाएगा, और जिसकी ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट वो अलग स्पीड से जाएगा। तो जो पहले निकल जाएगा वो पहले कंडेंस करके निकाल लिया जाएगा, और जो बाद में जाएगा वो बाद में, और जिसका बहुत ही ज़्यादा है वो तो पार ही नहीं हो पाएगा तो वो वहीं पर रह जाएगा, है ना। तो एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा मौका देते हैं खुलने का, प्लस रुकावटें हैं तो भाप बार बार टकराएगी तो बार बार वो लिक्विड में बनेगी। लेकिन जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है फाइनली उसकी भाप थोड़ी बहुत धीमे धीमे निकल के आगे निकल जाएगी। तो सरफेस एरिया लार्ज है और शायद में हर्डल्स या ऑब्स्ट्रक्शंस रुकावटें हिंड्रेंस ज़्यादा है फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम्स। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के लिक्विड फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम से जब निकलेंगे तो उनकी रेट भी क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट रेट्स, ठीक है। फुल स्टॉप लगाइए, इसके नीचे लिखिए लाइन चेंज करके लिखिए लिक्विड ऑफ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, लिक्विड ऑफ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसकी वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब वेपर बनाने की कैपेसिटी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। लिक्विड ऑफ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ब्रैकेट में लिख सकते हो मोस्ट वोलेटाइल, मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड ऑफ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ब्रैकेट में लिख ली मोस्ट वोलेटाइल विल पास्ड फर्स्ट बाय क्रॉसिंग ऑल हर्डल्स, बाय क्रॉसिंग ऑल हर्डल्स लिक्विड ऑफ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा भाप बनाएगा विल पास्ट फर्स्ट, सबसे पहले पास हो जाएगा, बाई क्रॉसिंग ऑल द हर्डल्स, बाई क्रॉसिंग ऑल द हर्डल्स लिक्विड ऑफ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल पास फर्स्ट बाई क्रॉसिंग ऑल द हर्डल्स गेट कलेक्ट इन रिसीवर, गेट कलेक्ट इन रिसीवर विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। यहाँ पास्ट की जगह पास कर लूँ, लिक्विड ऑफ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल पास फर्स्ट बाई क्रॉसिंग ऑल द हर्डल्स
गेट कलेक्ट इन रिसीवर विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। देखो बच्चों, जो लिक्विड सबसे ज़्यादा वेपर बनाएगा वो सभी हर्डल क्रॉस करके कहाँ पे जाके कलेक्ट होगा, रिसीवर में। किसकी हेल्प से? कंडेंसर, क्योंकि यहाँ तो वेपर जाएगी, फिर वेपर को यहाँ पर क्या करेंगे, ठंडा, और फिर यहाँ ड्रॉप कर करके कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी के नीचे लिखिए, लाइन चेंज करके, इन सिमिलर मैनर, इन सिमिलर मैनर इन सिमिलर मैनर लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट इन सिमिलर मैनर लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट आर ऑल्सो प्यूरिफाइड बाई दिस मेथड या बाई दिस टेक्निक। इसी तरीका से हम धीरे धीरे करके दूसरे लिक्विड्स को भी क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। देखो, अगर आप कहानी हमारी समझ गए होगे, अभी हम लिखवाने के लिए बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, और हम खूब डिटेल में पूरी कहानी आपको बता सकते हैं, फिर से लिखवा देंगे। फर्स्ट निकल गया तो फिर लिक्विड्स ऑफ विच हैव सेकेंड लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल पास एनोदर कलेक्ट इन एनोदर रिसीवर बाई पासिंग थ्रू कंडेंसर। अब लिक्विड विच है मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट और लीस्ट वॉलेटाइल विल रिमेन इन फ्लास्क, वो कहाँ रह जाएगा, फ्लास्क में, वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, तो हम इसको और ज़्यादा नहीं करके जो आपको प्रिंसिपल, हाँ, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बहुत कम बॉइल होने लगेगा, और जो बॉइल बहुत जल्दी हो जाएगा वो वेपर बहुत ज़्यादा बनाएगा। तो मोस्ट क्या हो गया, वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब जो थोड़ी आसानी से क्या बना ले, वेपर बना ले, है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जी जरूर याद रखना है आपको एग्जाम्पल। प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल तो देखिए, क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, बनाना है, बैठना नहीं है, तो जब क्रूड ऑयल को हीट किया जाएगा तो जो उसकी पेपर बनेगी, कच्चा तेल, तो सबसे नीचे रह जाता है लुब्रिकेंट, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, सबसे नीचे रह जाएगा लुब्रिकेंट, जिसे ग्रीस वगैरह बनाए जाएंगे आपके, ये इंजन ऑयल वगैरह बनाए जाते हैं, दिस ऑल फ्रॉम लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट से ही बनाए जाते हैं। इसका सेकेंड में आ जाए, सेकेंड नंबर पे रह जाएगा डीजल, फिर आएगा केरोसिन ऑयल, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन, है ना, जितने भी ये फॉसिल फ्यूल होते हैं सब के सब हाइड्रोकार्बन होते हैं, फिर आएगा पेट्रोल,